नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम वायरलेस रिमोट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, वन चैनल रिमोट है ये, यानी कि इसमें एक रिले लगी हुई है और हमारा जो चैनल है वो एक ही है, यानी कि एक बार में हम एक ही चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक ही कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। इसके कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, जिसमें दो वायर तो आपकी 12 वोल्ट की होगी और बाकी की 3 है जो रिले से कनेक्टेड है। रिले 2-वे स्विच की तरह काम करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ में आता है एक मैनुअल, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है किस तरीके से आप अपने लोड को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सी वायर कहाँ पे जुड़ेगी, किस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हैं। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा, लेकिन ये 220 वोल्ट को भी ऑन ऑफ कर सकता है, क्योंकि इसमें रिले एक सेपरेट मॉड्यूल का काम करती है, जिस वजह से आपका लोड सेपरेट होता है। चाहे आप इसमें 220 वोल्ट लगाओ या फिर 12 वोल्ट लगाओ, लेकिन ये ऑपरेट जहाँ पे वोल्टेज लिखे हुए हैं वो 12 वोल्ट से होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 3-4 तरीके के सिस्टम है, यानी कि ऑपरेट करने के तरीके हैं आपके स्विचिंग प्रक्रिया को। तो इसमें हम एक एलईडी लगा के देखेंगे। एलईडी में हम इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एलईडी के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि अगर एलईडी को हम डायरेक्ट लगाते हैं तो हमारा एलईडी खराब हो जाएगा। तो ये हम रेजिस्टेंस जो है हमारा, एक हमने प्लस वाली वायर से जोड़ दिया है और दूसरा रिले के बीच वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। और जो एलईडी बल्ब है हमारा वो हम लगाएंगे, यानी कि एलईडी में जो प्लस और माइनस भी होता है उसका भी हमें ध्यान रखना है। जो ऑन वाला वायर, जो ऑन वाला रिले का ऑन जिस पे लिखा हुआ है उसके अंदर हम लगाएंगे प्लस, और दूसरी जो वायर है एलईडी की वो उसको हम माइनस दे देंगे, ताकि जो रिले से हमें प्लस मिल जाएगा और जो माइनस है वो डायरेक्ट हमें बैटरी से मिलेगा इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल कनेक्शन इसमें हो चुका है रेजिस्टेंस और एलईडी का, क्योंकि हम एलईडी को ऑपरेट करा के देखेंगे ऑन ऑफ किस तरीके से, किस कंडीशन में कौन सा वर्किंग काम करता है इसमें रिमोट से। क्योंकि इसमें 3 फंक्शन है, 3 से ज़्यादा ही फंक्शन है, लेकिन 3 फंक्शन बेसिक फंक्शन है जो रिमोट से ऑपरेट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये रिले है और इसका एंटीना है, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है एक। इस स्विच को आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतने ही इसमें फंक्शन निकलेंगे। हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो एक फंक्शन होगा, 2 बार प्रेस करेंगे 2 फंक्शन होंगे। जैसे ही हमने इसको एक बार प्रेस किया तो उसके बाद में जो लाल बटन है, लाल में लाल एलईडी है, वो जलती हुई बंद हो जाएगी। और नेक्स्ट इसमें जो फंक्शन हुआ है वो देखिए, जब तक हम स्विच को दबा के रखते हैं तब तक वो हमारी एलईडी ऑन रहती है, आउटपुट ऑन रहता है, और छोड़ते ही ऑफ हो जाता है। तो ये अगर हमें फंक्शन नहीं चाहिए तो हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। चलिए हम इस दोबारा से जो छोटा वाला स्विच है उसको दबाएंगे 2 बार, 1 और ये 2, और लाइट हमारी लाल कलर की जलने लग जाएगी। और जैसे हम रिमोट के बटन को दबाते हैं तो दोनों पैर हो जाते हैं और फंक्शन काम करेगा। अब देखिए, जब एक बार जैसे ऑन करता हूँ दोबारा ऑफ करता हूँ तो एक बार जलता है एक बार ऑफ हो जाएगा, यानी एक स्विच की तरह ये हो गया है। हमें लगातार इसको दबा के नहीं रखना है। चलो तीसरा फंक्शन देखते हैं। दोस्तों जो तीसरा फंक्शन है उसमें रिमोट जैसे ही पैर होता है उसके बाद में हमारा रिमोट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये तीसरा इसमें फंक्शन है कि रिमोट से इसका मतलब खत्म हो जाता है, आपस में कोई कनेक्टिविटी इसमें नहीं रहती है, यानी कि कंटिन्यू ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जो तीसरा और इम्पोर्टेंट है फंक्शन वो हम देखते हैं, वो है डिले का बटन। हम इसको 4 बार दबाएंगे तो इसमें जैसे ही ये पैर करने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो डिले में आ जाएगा, यानी जैसे ही हमने इसको एक बार प्रेस किया ऑन हो जाएगा। अब चाहे आप रिमोट को दूर रख दीजिए, लेकिन इसमें जैसे जो टाइमिंग होगा 2 सेकंड का, वो चलने के बाद ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका जो डिले सिस्टम है वो बढ़ाने के लिए आपको 5 बार दबाना पड़ेगा, 6 बार दबाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसमें स्विच को दबाएंगे वैसे वैसे इसका डिले टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाती है हमारी एलईडी। तो दोस्तों अगर तीनों फंक्शन में से जो आपको फंक्शन अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं, और जो ये रिमोट है इसका वायरलेस वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो दूसरे के साथ भी ये पेयर हो जाता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इजी सिंपल इसके अंदर सर्किट दिया हुआ है। 4 टर्मिनल है, 2 तो इसके हैं सप्लाई के और 3 है आउटपुट के, यानी कि जैसे आप स्विच को दबाएंगे तो जो कंडीशन है ऑन पे आ जाएगी, और बाय डिफॉल्ट ये ऑफ के ऊपर, NC के ऊपर ये स्विच इसका ऑन रहेगा, और जैसे प्रेस करेंगे स्विच को तो ये वहां से हटके और ऑन पे आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।